हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फैट अटैक हिमाचल प्रदेश। गाइस आज है आपका डे 42 जहां पर हम डिस्कस करने वाले हिमाचल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2020, यानी जो अभी हमारा सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने 16, 17, 18 और 19 के क्वेश्चन जो कि हिमाचल जीके से आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर चुका है। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, प्लीज ये ऐसे वर्ड्स पर ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा और नॉट करेक्ट पूछा है, बिकॉज वी टेंड टू मिस दीज वर्ड्स और उससे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। सो अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान देंगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको सारे स्टेटमेंट पता होने भी जरूरी नहीं है। ओके, सो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी ही स्टेटमेंट गलत है। द आंसर वाज दैट ओनली बी है नन ऑफ द अबव, यानी एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, और सी है टू और थ्री, यानी सेकंड और थर्ड गलत है, या फिर फोर्थ। अगर आप इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देते हो तो देखो फर्स्ट कहीं ऑप्शन ही नहीं है। अगर फर्स्ट गलत हो जाता है तो आंसर अपने आप ए हो जाएगा, बिकॉज टू एंड थ्री हट जाएंगे बिकॉज वहां वन नहीं है, डी हट जाएगा वहां भी वन नहीं है, बी हट जाएगा क्योंकि वहां भी वन नहीं है। तो इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ माइंड। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है परांगल पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौर, सो अगर पासिस आपने इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा परांगल पास जो है वो लाहौर और स्पीति को कनेक्ट करता है, किन्नौर को कनेक्ट नहीं करता है। सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। सो इट वॉज इन डिफिकल्ट, वो सिर्फ स्टेटमेंट डराने के लिए देते हैं आपको। अगर आपको एक भी ठीक पता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते थे। सो गाइस आप थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि आगे आप सिर्फ क्या हम स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। अगर तो मनी रांग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा, ये भी गलत है। देन खलीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। चौबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, ये भी गलत है। सो अब इनकी सही स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो परांग ला, यानी परांग जो पास है, ला इज फॉर पास ओनली, जो ला टर्म होती है हम पास के लिए ही यूज करते हैं। सो प्रांगला जो है वो स्पीति को लद्दाख से, आई एम सॉरी मैंने लाहौर बोल दिया था, स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है, नॉट लाहौल है किन्नौर। जो चोबिया पास है गाइस वो एक सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पास है इन द पीर पंजाल रेंज, जो कहाँ पे लोकेट करता है, एट द एलिवेशन ऑफ 4,966 मीटर, और किसे कनेक्ट करता है, चंबा को लाहौल से कनेक्ट करता है। जो हमारे ऑप्शन में दिया था वो था लद्दाख एंड लाहौल। सो चौबिया पास जो है वो चंबा को लाहौल से कनेक्ट करता है, पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। नाउ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट पीक्स, ठीक है। सो किन्नौर की जो हाईएस्ट पीक है वो रियूपुरग्यूल है, ठीक है। ये जो पीक से ही मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाई हुई है, सबसे हाईएस्ट जो है वो ऊपर है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने सारी दे दी है। सो आप इन पीक्स को नोट भी कर सकते हैं ताकि अगर आगे क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पीक का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का तो आप इसे लिख सके, आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाए। कमिंग ऑन टू आर सेकेंड क्वेश्चन गाइज, इसके अंदर भी स्टेटम वाइज क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, ठीक है। पहले वाले में हमें नॉट करेक्ट बताना था, अब इसमें हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है इनमें से। अब ना यहाँ पर भी एक माइंड गेम ही है गाइज। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन 2, 3 है, फिर 2, 3, 4 है, फिर 1, 2, 3 है, एंड देन 4 है। अगर आप इसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट आप ट्रू कर देते हो तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पे वन आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, दैट इज सी। सो अगर आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो सही है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली सी ऑप्शन को लगा सकते थे, दैट इज द करेक्ट आंसर। इट इज वेरी इजी। चंबा, कुल्लू एंड किन्नौर आर कंसिडर्ड द मोस्ट ससेप्टेबल टू ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट्स, एंड इट इज इजी बिकॉज सच में ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं थोड़े हायर एल्टीट्यूड्स पर है, पथरीले इलाके में है और ऊपर थोड़े पहाड़ों में है, सो इस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने के थ्रेट ज्यादा होते हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट होते ही आपका डायरेक्ट ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको। सो इट वॉज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, वॉज इन डिफिकल्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ईजियर होते हैं बिकॉज उन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजी कर पाओगे। अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स की बात भी करते हैं तो ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, सोलन आर कंसीडर्ड लो वल्नरेबल और डिजास्टर थ्रेट्स, क्योंकि ये प्लेन एरियाज में आते हैं एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। सो इस वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे डिजास्टर थ्रेट्स कम होते हैं। साथ ही साथ हम वैली ऑफ ऊना, हम स्टेटमेंट बाकी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चन आता है सो उसे भी हम कर सकें, ठीक है। तो हम वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट हैज हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ये भी ठीक है।
और जो हमारा स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत था, जिसकी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट हुआ है। एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर बोर्ड के अकॉर्डिंग काला अम वैली जो है सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट की, उसने सबसे कम एक्सप्लॉइट किया है अपने ग्राउंड वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को। इसका बिल्कुल अपोजिट है, उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है अपने अंडरग्राउंड वाटर को। दैट इज द राइट स्टेटमेंट, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा और आंसर सी होगा। तो दोनों तरीके से हो सकता था, आप इसको गलत प्रूव कर देते तो भी हो जाता, पर आपके पास फिर तीन ऑप्शन होते, तीनों में से कोई। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक स्टेटमेंट ऑप्शन देखो, एक स्टेटमेंट उठाओ कि अगर मैंने ये ठीक कर दिया तो बाकी मुझे डायरेक्टली मिल जाएंगे, मेरे सारे ऑप्शन हट जाएंगे। ओके, इस तरह से ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है व्हेन इट कम्स टू दी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करनी थी, लिस्ट मैच करनी है, ठीक है, कि ये बर्ड सेंचुरीज दी हुई है और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, ठीक है, आपको बताना है कि और डिस्ट्रिक्ट और कोई स्पेसिफिक फीचर दिया, आपको बताना है कि कहाँ पे मैच दी फॉलोइंग होगी। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो आपको अगर एक भी पता है आप उसे ढूंढो, ठीक है, आपको कोई एक भी आंसर पता है आप उसको ढूंढो, उसको मैच करो और फिर देखो कि वो किस ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो सी सही था, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 5, ठीक है। सो बदली जो है सेंचुरी वो मांडी में है, अगर आपको ये पता होता तो आप कैसे एलिमिनेट करते, ठीक है। सो देखो ये तो तीनों में दिया हुआ है, हम लोग ऐसा कोई फीचर देखेंगे जो डिफरेंट होगा, क्योंकि और ये होता है यूजुअली जो ज्यादा जगह पे दिया होगा ना उसकी चांसेस ज्यादा होते हैं ठीक होने के। सो अगर हम इसमें देखते हैं तो बी का 3 है दोनों में, सो हमारे पास ये दो ऑप्शन बन रहा है, इसमें अब सी 2 हो गया, डी 5 हो, डी 5 है, यानी सी का जो ऑप्शन है, सी इज दी मेन पॉइंट, जो सी का मैच दी फॉलोइंग हुआ वो डिसाइड करेगा कि आंसर कौन सा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे सेलेक्ट करे। मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे एक का पता है, वन है, ठीक है, बादली जो है वो मांडी में है, सो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, बी, सी और डी। उसके बाद मैंने देखा कि बाकी में दो में मेजोरिटी में क्या है, यानी डी 5 है दोनों में ही, तो डी तो वैसे ही हट गया है, अब डिसाइड करेगा बी। बी का मेरे को 3 पता चल गया, अब मेरे पास सी बचता है, सी का ऑप्शन 2 या 4 होगा, उससे हमें पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि सी का जो है वो राइट आंसर 4 है, तो सी जो गमूल साइबेरी सेंचुरी है, आई एम सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द लोकल डायलैक्ट, वो चंबा में है। सो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपको एक्जैक्टली पता होनी चाहिए सारी सेंचुरीज कहाँ पे, तभी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। द राइट आंसर वॉज सी। अब गाइज हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये अभी क्वेश्चन आया मे बी नेक्स्ट टाइम पे इसको थोड़ा मोल्ड करके किसी और फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो बाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये मांडी में पड़ती है गाइज, साथ ही साथ इसके अंदर जो रेयर स्नो लियोपर्ड है वो मिलते हैं और चीर पिजन्स मिलते हैं। सो आपको जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हो तो आपको किस चीजों पर ध्यान देना है, कहाँ पर है उसकी लोकेशन, कोई स्पेसिफिक फ्लोरा या फौना वहां पे मिलती है, कोई बर्ड मिलती है, ठीक है, साथ ही साथ वहां से कोई रिवर और लेक जाती है तो वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजरली क्या पढ़ना है कि मांडी में है, साथ ही साथ रेयर स्नो लियोपर्ड और चीर पिजन यहाँ पर मिलता है। हमारी जो नेक्स्ट सेंचुरी है डेट इज दारंगती सेंचुरी, ये हमारी जो है वो रामपुर बूसरा शिमला में पड़ती है, सो इट इज इन शिमला, ठीक है, और ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आती है। यहाँ की जो फ्लोरा फोना है वो क्या है, अगर हम पौला की बात करते हैं तो मोनल, टारकोपान, कोकलस, कालीज, पीजन्स, इस तरह की यहाँ पर जो फोना है, फोना है वो मिलता है, एंड मस्क डियर और गोरेल और थार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज गामगुल जो है एक हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड गाइज इसके लिए एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये अकेली सेंचुरी ऐसी है हिमाचल प्रदेश की जहां पर कश्मीरी स्टैग मिलते हैं, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये जो है ये सलोनी तहसील चंबा में पड़ती है, दैट इज दी इट्स लोकेशन, और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को एडजॉइन भी करती है, यानी इसकी जो बाउंड्री है ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से लगती है, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेट इज लीपा सराग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइज, लीपा सराग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किन्नौर का पार्ट है, कहाँ पर है ये, किन्नौर के अंदर है, और ये काफी हाई अल्टीट्यूड है ये वाली भी,
साथ ही साथ यहाँ पर मोस्टली बैरन कोल्ड डेजर्ट मिलता है, बैरन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इज वन ऑफ द फ्यू सेंचुरीज जहाँ पर फेरल या बोस ग्रोनीन्स मिलती है। ठीक है, ये जो स्पीशी है ये यहीं पर मिलती है, मिली है, मतलब रिपोर्ट की गई है कि इसको देखा गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप क्लियर होगा। सो हमने हमारी इम्पोर्टेंट वाइल्ड सेंचुरी जो क्वेश्चन में थी वो पढ़ ली है। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मियां जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ और श्री जवाहर सिंह जो थे ये किस मूवमेंट के पार्ट थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के पार्ट थे हिमाचल प्रदेश में। हमने इससे पहले पढ़ा भी है गाइज ये, ठीक है, मैंने इससे पहले वाले जो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम है, जैसे मैंने बोला ना कि प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर भी पढ़ा है ना और आपने वो मूवमेंट भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। राइट आंसर इज गदर पार्टी। ठीक है, सो गदर पार्टी से ये रिलेटेड थे। लेटर ऑन प्रजामंडल आंदोलन ही इन्होंने ही स्टार्ट किया है, ये जो वहां की रानी थी उनके साथ मिलके। हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर किए हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हो इस पे इसके एक्सप्लेनेशन को। सो ये जो तीनों है ये हमारे रेवोल्यूशनरीज थे जो गदर पार्टी से ज्वाइन थे। गदर पार्टी का इन्फ्लुएंस देखा गया, इन्होंने मांडी कॉन्स्पिरेसी में भी पार्ट लिया था। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ पर आपको स्टेट्स दिए हुए हैं, इधर उनके फाउंडेशन दिए हुए हैं कि कौन सी स्टेट का किसने फाउंडेशन किया था और आपको इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। सो नहीं, आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है एक्चुअली। ठीक है, सो आप यहाँ पर भी बहुत इजीली एलिमिनेशन के साथ कर सकते हैं, या तो सारे ट्रू हैं या फिर सारे फॉल्स हैं या फिर सिर्फ थ्री ट्रू है या फिर ओनली वन इज फॉल्स। तो जब हम सारे ट्रू और सारे फॉल्स को हटाते हैं हम देखते हैं कि या तो हम वन को प्रूव कर दे फॉल्स या फिर हम थ्री को प्रूव कर दे फॉल्स, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, सो इससे आप बोल सकते हो कि फर्स्ट वन रॉन्ग हो जाएगा तो आपके पास या तो All are false बचता है या फिर one is false, यही दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो all are false नहीं होगा because धामी स्टेट जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने ही establish की थी, आपको पता होना चाहिए, it was easy है। ठीक है, साथ ही साथ बालसन स्टेट जो है वो एंशियंट सिरमौर की ही एक ऑफ शूट है, ये पता होना चाहिए क्योंकि हिमाचल की हिस्ट्री आप पढ़ के जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन बी, ओनली वन इज फॉल्स। और वन का जो सही आंसर हो गया है, कोटी स्टेट जो थी वो डिसेंडेंट ऑफ कुतलेहर स्टेट थे, उन्होंने स्टैब्लिश की थी, उन्होंने फाउंड की थी। So that is the right answer. Coming on to our next question guys, ये भी फिर statement का ही question आता है। हम देखते हैं कि इस 2020 के जो paper था उसके अंदर statement के questions बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक, consider the following four statement और आपको बताना है correct answer कौन सा है इनमें से। अगर हम option की side देखते हैं तो 1 और 2 correct होगा, 2 और 3, 2 और 4 और 1 और 4। So हम देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम टू को फॉल्स कर देते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमारे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम टू को ट्रू करते हैं तो तीन बचते हैं, ट्रू को अगर हम फॉल्स करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बच जाएंगे। सो ये क्वेश्चन पूछ, टू का जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है, इन 3039 में नगर कोट का जो एक्सपीडिशन हुआ था वो पर्सनली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने लेड किया था। ठीक है, सो द आंसर इज करेक्ट कि पर्सनली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने लेड किया था, लेकिन 1339 में नहीं किया था, इट वॉज इन 1337। सो हमारा टू गलत हो जाता है और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड दैट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। अगर आपको नहीं पता इसके स्टेटमेंट के बारे में फिर आप बाकी स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिससे आपका टाइम भी बचेगा कि एक स्टेटमेंट सब में है, या तो मैं उसे ट्रू कर देता हूँ या उसको फॉल्स कर दो। अगर मैं उसको फॉल्स करता हूँ तो अपने आप बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड आई बी लेफ्ट विद ऑप्शन डी ओनली। अगर हम सही की इसके सही स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपेडिशन लेकर आए थे राजा पृथ्वी चंद के अगेंस्ट में नगर कोर्ट ऑफ कांगड़ा पर्सनली इन 3037 AD, ना कि 3039, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फोर्थ स्टेटमेंट, फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं
दो ही सेम है, 1 and 2, 2 and 3, 2 and 4 एंड लास्ट वन इज 1 and 4. अगर आप 2 को फॉल्स कर देते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डी. द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 इज राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796. गाइज ईयर्स याद करके जाना, बिकॉज ईयर्स पे हिमाचल बहुत ज्यादा फोकस करता है. हिमाचल के जो ईयर्स होते हैं उनमें ही आपको वो कंफ्यूज करेंगे. स्टेटमेंट फिर भी ठीक हो सकता है. सो द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग एंड आप लास्ट में डी ऑप्शन के साथ बच जाएगा. आपके पास डी ऑप्शन ही सही होगा. जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि 1805 में हुआ था. ठीक है, ईयर इन्होंने फिर से गलत मेंशन किया, 1796 में नहीं किया था, 1805 में संसार चांद ने अटैक किया था हिल स्टेट ऑफ बिलासपुर को, विच इज कॉल्ड इन डेंजरस एड ऑफ गोरखास. ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, बिकॉज लेटर ऑन मे बी ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जब ये अटैक हुआ था तो इस टाइम पे कि कौन एड के लिए आए थे, तो गोरखास एड के लिए आए थे. कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कंट्रास्ट. ये जो कोट है जीसी बांस का, ये उन्होंने किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए इन्होंने ऐसा बोला है. सो द राइट आंसर इज कांगड़ा. तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे करो, अगर आपको नहीं पता है तो मत करो. थोड़ा सोच सकते हो कि सब्लाइम यानी पर किसी के लिए भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हिमाचल की सारी ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी ब्यूटीफुल है, डिलाइटफुल कंट्रास्ट है और सब्लाइम है. सो अगर आपको इसका स्टेटमेंट का पता है वो किसके लिए बोल रहे हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो बांस ने ये स्टेटमेंट जो है वो कांगड़ा के लिए लिखे थे, और कांगड़ा को अवार्ड ऑफ आइस एज मैन भी बोला जाता है. ठीक है, कि आइस एज मैन का अवार्ड है क्योंकि यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं पैलोथिक हैंड टूल्स के इस एरिया के अंदर. ठीक है, सो आपको ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए. कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मुंड्रो और गारो जो है आर नोन एज दी चिल्ड्रन ऑफ हाइपोगैमस यूनियन ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी इनमें से किस ट्राइब की हाइपोगैमस यूनियन के जो स्ट्राटा होता है, डिफरेंट यू नो सेम स्ट्राटा के लोग शादी करते हैं, लेकिन डिफरेंट स्ट्राटा के लोग शादी करते हाइपो अपनी कास्ट से बाहर को हाइपरगोमस बोलते हैं, तो इनकी यूनियन से पैदा हुए बच्चों को मुंड्रो और गारो कौन सी ट्राइब में बोला जाता है. द राइट आंसर इज स्वांगलास. गाइस ट्राइब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द सिलेबस, ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, जो ट्राइब है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, और आप ट्राइब के जितने मैरिजेस हैं, फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं, या फिर क्योंकि फॉर्म ऑफ मैरिज में ही आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, उनके डांसेस हैं, उनके ड्रेसेस हैं, किस तरह के कस्टम्स हैं, ये सब पढ़ के जाना होगा आपको. ठीक है, तो स्वांगलास जो ट्राइब है उन्हीं के बच्चों को मुंड्रो और गारो बोला जाता है. ठीक है, एंड बिलीव टू हैव कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ, और ये जो कंसेप्ट है वो किस तरह से आया है कि राजपूत जो थे वो मैरी करते थे किसी बोध गर्ल को सोशली बिलोंगिंग टू लोअर स्ट्रेटा. जैसे मैंने बोला ना कि डिफरेंट स्ट्रेटा, आप अपने स्ट्रेटा से बाहर निकलकर शादी करते हो तो उसको हाइपरगैमस बोला जाता है. हाइपोगैमस और हाइपरगैमस होता है जब लड़की छोटी कास्ट की होगी और लड़का अपर कास्ट का होता है तो हम उसको हाइपरगैमस बोलते हैं, और जब लड़की अपर कास्ट स्ट्रेटा की होती है, लड़का लोअर स्ट्रेटा का, तो उसको हाइपोगैमस बोला जाता है. सो इनकी जो यूनियन है उससे पैदा हुए बच्चों को और मुंड्रो बोलते हैं. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कुंचान फॉर्म ऑफ मैरिज सिक्किम में जो है वो ऐसी ही सिमिलर मैरिज हिमाचल के किस जगह पे पाई जाती है, या फिर किस ट्राइब के अंदर पाई जाती है, किस शादी को ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि कुंचान जो फॉर्म ऑफ मैरिज है ऐसी फॉर्म हिमाचल में किसे बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज दरोश. ठीक है, दरोश. तो गाइस ये जो टाइप ऑफ मैरिज है ना ये बहुत सारी और जगह भी मिलते हैं इंडिया में, आप संथाल में बोल सकते हो. ठीक है, तो किसी भी जगह पे बोल सकते हो मैरिज, इस तरह की फॉर्म ऑफ मैरिज अलग अलग जगह पे मिलती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए. यहाँ पर एक थोड़ा रिलेटेबल क्वेश्चन है, आपको बाकी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे इन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ोगे तो प्लीज ट्राई टू रिलेट. आप देख रहे हो उन्होंने कैसे लिंक किया है आपकी जनरल ज्योग्राफी को, उन्होंने आपकी जो जनरल ज्योग्राफी है उसको लिंक कर दिया है विद दी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को. तो इस तरह से लिंक करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं. तो व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग दी जनरल ज्योग्राफी उस टाइम पे आप हिमाचल में जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट करो उसके साथ. ठीक है,
अगर हम अब बात करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, द जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के जाट ट्राइब है, वो इनमें से किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? सो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो राइट आंसर इज बुद्धिज्म. जो जाट ट्राइब है वो किस तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं. ठीक है, जो जाट ट्राइब है वो मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में मिलता है. इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन क्या है, इनको लांबा और खांबा भी बोला जाता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज लांबा एंड खांबा. और वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं. वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते थे, पर इट्स बेटर कि आप ब्लाइंडली कोई आंसर लगाओ कि उसे छोड़ दो अगर आपको नहीं पता है तो. ठीक है, कमिंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस, इसमें आपको मैच करना था. एंड अगर आप इसमें एक ऑप्शन ढूंढ लेते हो, ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखेंगे अभी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ढूंढ लेते हो तो आप इजीली कर सकते थे. एंड बोथ ऑफ दीज, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, ठीक है, जो पहले पूछे गए हैं, तो अगर आपने PYQs करे होंगे तो आप इसे इजिली कर लेते. फॉर एग्जाम्पल, टिडोंग भी पहले आ चुका है और सतलुज का जो दूसरा नाम है वो भी पहले पूछा जा चुका है. ठीक है, अभी मैं आपको सही बताऊंगी, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. सो अगर आप ए का आंसर ढूंढ लेते हो, हम एक ऑप्शन देखते हैं 5435. ठीक है, तो ए के जो दो ऑप्शन है वो 55 है. सो वी कैन से कि जंगती ये किसका नाम है? और तो सतलुज को ग्रीक में जंगती भी बोलते हैं, तिब्बत में जंगती भी बोलते हैं. सतलुज का ही दूसरा नाम है जंगती. ठीक है, सो दैट वाज द राइट आंसर. अब आपने एक तो ढूंढ लिया, एक का जो आंसर है वो 5 हो गया. अब एक डिसाइडिंग एलिमेंट होगा इनमें जो डिसाइड कर देगा. हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन में, ए और डी में, बी सी डी तीनों के ही जो मैच है वो डिफरेंट है. सो अगर आप एक को भी ठीक कर लोगे आपको सही आंसर पता चल जाएगा. नाउ सीन ऑफ सेवेज ग्रैंडियर, ये ऑलरेडी पहले PYQ में पूछा जा चुका है कि ये जो टाउन है ये कौन सा है? टिडोंग है. किन्नौर का टिडोंग टाउन को या सीन ऑफ सेवेज ग्रैंडियर बोला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के ब्लॉक्स मिलते हैं, पथरीला इलाका है, इसलिए उसे ऐसा बोलते हैं. तो बी का जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा, यानी ए का जो राइट आंसर है वो 5, बी का 1, एंड योर राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. आप एक जो आपको सही पता है आप उसे ढूंढो, उसे कनेक्ट करो, फिर मैच बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखो कि वो आपसे आपको समझ में आ रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग रहा है, उससे आप इसको सही कर सकते हो. आई होप क्लियर होगा. अब हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं गाइस, क्योंकि सतलुज का नाम जो है, एंशियंट नेम है, वो बार बार आते हैं. तो गाइस आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले लेक्चर में हमारी जो पांचों रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम की, सबके नाम दिए हैं, संस्कृत और तिब्बतन और ग्रीक दिए हुए हैं. आप वहां जाकर भी उन्हें पढ़ सकते हैं. अगर हम यहाँ सतलुज की बात करते हैं तो उसको संस्कृत में सतोद्री या सतोद्रा वो भी बोलते थे, सतुंद्री बोलते थे. वैदिक लिटरेचर में जराड्रोस और हेसेडेरिस बोलते थे ग्रीक में. जंगती एंड मुक्सुम बोलते हैं तिब्बतन लैंग्वेज में, जंगती एंड मुक्सुम बोलते हैं तिब्बतन लैंग्वेज में. एज वेल एज अदर बींग संपू सुंदरुंग एंड सुतुद्रा. तो ये सारे नाम जो है ये सतलुज रिवर के हैं, और आपको सारे ही नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ये दोबारा आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो दैट वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच. अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू YouTube चैनल, ताकि आपको हमारी वीडियोज रेगुलरली मिलती रहे. साथ साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोज की PDF अवेलेबल होगी. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे.